आपकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके आईफोन में घटिया बेकार फ़ोटोज़ आपसे शूट हो रहा है, आप अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ नहीं ले पा रहे हैं। आपने 1.5 लाख रुपए भी लगा दिया, आईफोन भी ख़रीद लिया और बेकार से फ़ोटोज़ भी आ रहा है, ये आपकी गलती है। बट आज मैं आप सबके गलतियों को सुधारने वाला हूँ। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। आज आपको बताएंगे कैसे अपने आईफोन के अंदर बेस्ट और तगड़े फ़ोटोज़ आप ले सकते हो। कुछ ट्रिक, कुछ कैमरा सेटिंग है, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा आप कौन सा आईफोन यूज़ करते हैं। अपने आईफोन का नाम लिख देना है, राइट, आईफोन का मॉडल आपको लिख देना है, जो भी मॉडल आप यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए ये आईफोन 11 में भी काम करेगा ये ट्रिक, इवन आईफोन एक्स जो है ना 5-6-7 साल पुराना जो आईफोन है उसमें भी ये ट्रिक काम करेगा, और आईफोन 11, 12, 13, 14, 15 सब में ये ट्रिक काम कर जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं चीज़ें बताना चाहूँगा आपके कैमरे के बारे में। नॉर्मली आप जो एक्सपेक्ट रेशियो आप रखते हो फुल वाला, बहुत लोग फुल वाला रखते हैं या ये 16:9 वाला रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मोस्टली ज़्यादातर इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं ना तो फिर ठीक है आप 16:9 को रखते हैं तो, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वगैरह डालते हैं, इंस्टाग्राम छोड़िए फेसबुक या कोई भी, तो सोशल मीडिया का लगभग एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है ना फोटोज़ के लिए वो 4:3 होता है। तो कभी भी और मोबाइल के अंदर जो पहले से जो होता है ना वो 4:3 ही होता है, यही होता है रेशियो। ये जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है इतना सा, यही होता है रेशियो। तो पहली चीज़ आप समझ गए होंगे, जब भी आप लें तो मैं आपको बोलूँगा नॉर्मली 4:3 में ही लेने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करोगे ना ये पूरा आएगा जितना आपने फ्रेम कैप्चर किया, जबकि 16:9 में आप फोटो पोस्ट करने जाओगे तो सिर्फ इतना सा ही फ्रेम अपलोड होगा, इतना ही, ऊपर का ये ख़त्म नीचे का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो 4:3 काफ़ी बेस्ट है, 4:3 या 4:3 बोलिए, सॉरी अगर बोलने मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है तो। हाँ तो ये 4:3 वाली बात है, अब ये चलिए ठीक है। और स्क्वायर तो बिल्कुल कभी मत करिएगा, स्क्वायर की जब नीड होगी आपको तभी करिए ही स्क्वायर वाला, ऐसे नहीं तो स्क्वायर वाला मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत होगा। तो खैरिए 4:3 का करिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, रॉ आपका अगर चालू है तो मैं आपको बोलूँगा रॉ को बिल्कुल आप चालू मत करिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रॉ तो बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों के लिए है, रॉ का साइज जो है, रॉ फोटो का साइज बहुत बड़ा होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैंने रॉ को अभी चालू कर दिया, रॉ ये मैं लेता हूँ फोटो, ये मैंने ले लिया फोटो। तो अभी जो ये फोटो आएगा इसका बहुत ज़्यादा साइज रहेगा, बहुत ज़्यादा MB का रहेगा। तो ये रॉ फोटो सिर्फ MB की बात नहीं होती है, ये आपका ज़्यादा जगह भी लेगा और साथ में इसमें ज़्यादा डेटा जो है इकट्ठा होता है आपके फ़ोन में, तो इस वजह से MB भी बढ़ेगा। रॉ का मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा पाओगे, तो इसलिए रॉ को आप कोशिश करो इसको बंद रखने का, ये रॉ RAW। चलिए ये आपका ठीक है, बाकी सब ओके है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे दूसरी चीज़ें कि आपके मोबाइल के अंदर जो है यहाँ पे 1x 3x ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, एक पहले तो 0.5 है, ये कितना है 0.5 है, ये 0.5 के बाद यहाँ पे देखिए 1 है लिखा हुआ, फिर ये 1 है, अरे यार ये 1, फिर 2, फिर 3 है। इसका प्रॉपर यूज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत यूजफुल चीज़ है। वो जो मैंने DSLR वाली बात कही थी ना वो यहीं से कनेक्ट होता है। ये 1x जो है, ये 0.5 चला गया, 0.5 देखिए उतना अच्छा सेंसर आउटपुट नहीं होता है, मोबाइल का मेन कैमरे का जो पावर होता है ना वो 1x में होता है, 1 में होता है, मतलब 1 मतलब हुआ मेन कैमरा और 3 मतलब हुआ टेलीफोटो। अब अगर यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें 5x भी होगा, 5x या कहिए या 3x का ऑप्टिकल जूम या 6x का ऑप्टिकल जूम। तो ये आपका जो 3x है ना ये स्पेशल एक कैमरा है, ये 1 पे गया तो ये दूसरा कैमरा काम कर रहा है, 3 पे गया तो ये दूसरा कैमरा काम कर रहा है, ये जो अलग कैमरा है, वेट मैं दिखाता हूँ,
मैं किसी के सामने उंगली रखता हूँ, ये मैंने इसके सामने रखा उंगली, ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया, तो आपने देखा। और ये वन पे जाएंगे तो वन पे ये दूसरे कैमरे पे काम करेगा, वन पे देखिए दूसरे कैमरे पे काम कर रहा है। तो इसलिए कभी भी आप फोटो लेते हैं ना, और वन पे जब आप फोटो लेंगे तो ये देखिए डिस्टॉर्शन बनेगा। मैं इसको ठीक से दिखाना चाहूँगा, मैं इसका इस तरह से मैं फोटो लूँगा एक, ये मैंने फोटो लिया, ये कॉर्नर में गया ना तो ये फोटो देखने में सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये झुका हुआ, ये बीच में लग रहा है क्लियर ठीक सा, और सब कॉर्नर साइड में देखेंगे तो ऐसा लगेगा सब एक दूसरे के साइड ना लपा हुआ है चारों कॉर्नर। लेकिन DSLR में ये चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, DSLR में आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपको वर्टिकल देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से जब भी आप आईफोन यूज़ करो तो 3x का यूज जरूर करो आप फोटो यूज़ करने में, 3x का मतलब टेलीफोटो से फ़ोटो जरूर लीजिए, कहीं आप ट्रैवल करने, कहीं घूमने, पहाड़ पे, बीच पे, माउंटेन पे, मतलब वही कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं पार्क में, तो आप 3x का यूज जरूर से जरूर करिए। वेट, मैं अभी इसका एक लेता हूँ, अभी मैं ऐसे भी कर दूंगा ना, मैं थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूँ, और मैंने जानबूझ के इसको सेंटर में जगह नहीं दिया, एक मैं इसको सेंटर में जगह देता हूँ, ये MKVHD है वीडियो में, ये मैंने एक फ़ोटो ले लिया। अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक फ़ोटो लिया, इसका डिस्टॉर्शन जो है ना वो नहीं बनेगा। देखिए आपको चारों कॉर्नर जो है वो बिल्कुल फ्लैट देखने के लिए मिलेगा, और आईफोन का मेरे ख्याल से यही एडवांटेज लोग लेना नहीं जानते हैं, टेलीफोटो से फ़ोटो ही नहीं लेते हैं। आप कभी भी फ़ोटो लो, टेलीफोटो से फ़ोटो लो। अभी देखिए मैंने एक ये फ़ोटो लिया, चलिए ये इसको तो मैंने सेंटर में जगह दिया, जिसको मैंने सेंटर में जगह नहीं दिया उसमें भी आप देखोगे ये बिल्कुल कहीं लपा हुआ आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। और DSLR के फ़ोटो में अब से आप नोटिस करिएगा, अगर आपने नोटिस नहीं किया कभी तो उसमें भी आपको ये आपको बिल्कुल ये डिस्टॉर्शन उसमें नहीं बनता है, मतलब कहीं भी झुका हुआ नहीं मिलेगा उसका कॉर्नर, तो ये चीज़ का एडवांटेज है। तो मतलब इससे आप DSLR वाली फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, चलिए इसको मैंने सेटिंग ओपन करने के लिए खैर मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। और फ्लैश वगैरह चालू करने में आपको दिक्कत होती है, अगर आप आईफोन के न्यू यूजर हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्लैश वगैरह बंद करने के लिए ना जैसे ये ऑन कर देंगे ना, ये हमेशा फ्लैश आपका चालू होगा, हमेशा चालू होगा। वही आपको फ्लैश ऑटो पे रखना है तो ऑटो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ़ करना है बिल्कुल ऑफ़ कर सकते हैं, आपका फ्लैश अब चलेगा ही नहीं। और लाइव फ़ोटो का मेरे ख्याल से इसको आप ऑफ़ करके रखें, जैसे मैंने अभी इसको ऑफ़ कर दिया, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे फ़ोटो खिंचाने के बाद वो जो चलने लगता है ना, फ़ोटो मोशन करता है, जैसे ये अब ये मोशन नहीं किया, ये मोशन किया, ये इसमें एक मोशन हुआ, लाइव फोकस वो हुआ। मेरे ख्याल से इसका लोग इसका लुफ्त नहीं उठा पाते हैं, ये फालतू की चीज़ें हो गई, इसको मोस्टली आप बंद ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं तो फिर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आप चीज़ें वो समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। टाइमर खैर यहीं पर हमें मिल जाता है, काउंट डाउन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 3, 2, 1 ऐसा। ओ, मल्टीपल शॉट आया क्या, ये सिंगल शॉट आया, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब एक चीज़ और, टाइमर को यहाँ पे बंद कर देते हैं ऑफ, और हम बात कर रहे थे पोर्ट्रेट के बारे में, और पोर्ट्रेट का मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके आईफोन के अंदर एक चीज़ एक सेटिंग मिलता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आप फोटोज़ लोगे तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको फ़ोटोज़ मिलते हैं, जैसे कि इसमें 2x है, यहाँ पे 2x है, 3x है, तो आप पोर्ट्रेट में जब आप लोगे तो 3x में लीजिए। जैसे ये मैं सब्जेक्टों में फोकस करूँगा, क्यों नहीं फोकस हो रहा है यार, अच्छा ये स्टूडियो लाइट की वजह से क्या, मेरे ख्याल से अच्छा ये ह्यूमन को पहले डिटेक्ट करता है, वो MKVHD है, मैं लैपटॉप में कुछ वीडियो प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ये डेप्थ वगैरह आपको मिलता है, खैर ये ओरिजिनल ह्यूमन नहीं है, ये फोटो से था। ओके, अब देखिए तो ये टेलीफोटो का यूज़ जरूर करिए, पोर्ट्रेट मोड में भी आप जाते हैं तो टेलीफोटो का यूज़ करिए, इसमें आपका नेचुरल जो बोके मिलेगा बिल्कुल DSLR जैसा आपको मिलेगा फ़ोटोज़ वगैरह, तो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, राइट, तो इसका फ़ायदा उठाइए 3x का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए 3x आपका हिडन है,
सैमसंग वगैरह मोबाइल में यहीं पे रहता है, पोर्ट्रेट में भी करोगे ना तो 1 2 3 यहीं पे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये आईफोन में इस तरह से रहता है साइड में। तो 3x का मैन रूप से मेरा यही था, टेलीफोटो लेंस का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करिए, आपके बेटर फोटोज़ आएंगे। और ज़्यादा सेटिंग आप देखना चाहते हैं, चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको कैमरे में जाना है और फोटो वगैरह या स्कैन डॉक्यूमेंट और ग्रिड, आपका ग्रिड वगैरह और लेवल आपका बंद है तो इन दोनों आपको चालू करके रखना चाहिए। इसको चालू करके रखने का 2-3 फ़ायदा है। एक तो देखो, मैंने ये नॉर्मल फ़ोटो किया, आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है, आपको तीन ये दिख रहा है ना, इसको ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड का फ़ायदा है कि आप किसी आदमी का फ़ोटो ले रहे हो, जैसे मैं इसका लेता हूँ, ये मैंने इस तरह से किया, ये ग्रिड में सेंटर में आया या नहीं आया। सेंटर मतलब अगर उसका हेड, अगर इसका हेड यहाँ पे रहेगा जिसका मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा तो वो सेंटर हो गया। तो बार बार किसी इंची टेप से आप, इंची टेप से आप मापोगे तो नहीं ना, तो इसलिए आप सेंटर में परफेक्ट फ़ोटो आप लेना चाहते हैं। रूल ऑफ थर्ड के बारे में आप जानते हैं तो फिर तो आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप बेहतर फोटोज़ वगैरह आप ले सकते हैं। तो इसलिए ये ग्रिड का फ़ायदा होता है और लेवल भी रहता है। ये जो आपको बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये टेढ़ा हो गया ना, ये देखिए, ये जो वाइट कलर का इस तरह से हो रहा है, आप ध्यान दो तो, ये मैं करता हूँ कुछ, ये जो वाइट कलर का आता है बीच में देखने के लिए, वेट कैसे आएगा, हाँ अभी आया, तो ये जो आ रहा है वाइट कलर का बीच में ये जो वेक होता है, ये लेवल हुआ। तो ये येल्लो हो गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो गड़बड़ है, अभी ये येल्लो हो गया इसका मतलब ओके है। तो लेवल में आपका, इस मोबाइल में ना बहुत सेंसर वगैरह होते हैं तो आपके फ़ोटोज़ बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं आ रहे हैं, तो वो चेक वगैरह आराम से हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे छोटी छोटी चीज़ों का आप नोटिस करके ना बहुत बेहतर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल फ़ोटो तो यही छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके ही तो बेहतर फ़ोटोज़ ले पाते हैं अच्छे अच्छे फोटोग्राफर या नॉर्मल मोबाइल चलाने वाले लोग। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आई नो मैंने थोड़ा वीडियो में ज़्यादा बक दिया, बट आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे और आप अपने आईफोन से और ज़्यादा बेटर फोटोज ले पाएंगे। आपको लिख देना है आईफोन कैमरा सेटिंग या ट्रिक्स, आपको लिख देना है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।